यहाँ तक ऐसा जुड़ा होता है कुछ ऐसा। बैक टू अवर न्यू ब्लॉग, माय नेम इज सतीन एंड आई एम नर्स टर्न इनटू पार्ट टाइम ब्लॉगर। गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ ड्यूटी के लिए, क्योंकि अभी मेरी प्रेजेंट में नाइट ड्यूटी चल रही है। अभी ड्यूटी के लिए रेडी हो रहा हूँ और अभी टाइम हो रहा है 7:30। और क्या कर रहा है पीछे? शूट हो रहा है भाई। और आज होली के बाद से आज काफी टाइम बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अरे चुप रहा यार, क्योंकि नहीं मेरा वाला पेंट है ये, तेरा नहीं है। और क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं तो इस वजह से ना फोन मतलब ब्लॉग नहीं शूट कर पा रहा हूँ। एक्चुअली फाइल्स का काम था, फाइल्स चेक कराई, उसके बाद जस्ट आने के दूसरे दिन ही नाइट ड्यूटी लग गई थी, तो इस वजह से नहीं हो पाता है। पूरी रात जगना पड़ता है ड्यूटी में, उसके बाद दिन में आके सोना पड़ता है, फिर उठ के शाम को फिर ड्यूटी जाना पड़ता है। और अभी बस ड्यूटी के लिए रेडी हो रहे हैं हम अपनी, और हमारे साथ हैं हमारे सीनियर सर आशुतोष सर। हमारे आशुतोष सर हमसे तो काफ़ी ज़्यादा सीनियर हैं, तो आज ऐसा हुआ एक ओटी हुई थी, ओटी में लगे हैं 4 घंटे, तो 8 बजे गए थे, 11 बजे वहाँ से निकले हैं। उसके बाद पेशेंट का बीपी थोड़ा इंक्रीज़ हो गया, एक्चुअली वो फोबिया हो गया था उसको इस वजह से। और हमारे सर कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि सर बहुत ही सीरियस पर्सन है। सर एक स्माइल कर दीजिए, एक बार स्माइल कर दीजिए। और अभी आपको दिखाऊं, टाइम अभी हो रहा है 1:12, तो खैर आज तो पूरी रात ही जगना है, क्योंकि पेशेंट शिफ्ट किया है ओटी से, तो पेशेंट की केयर करनी है। बाकी तो सब यू नो कि पढ़ाई चल रहा है, कल संडे है, आज ड्यूटी लास्ट है मेरा। सबसे बड़ा ट्रेजेडी ये हो गया कि मेरा डाटा केबल खो गया है, फ़ोन चार्ज समझ नहीं आ रहा कैसे करूँगा। और खो भी कैसे गया वो तो अभी जस्ट जेब में हाथ डाला, एप्रन की मैं देखा कहाँ है डाटा केबल, बाद में पता लगा कि डाटा केबल खो चुका। देखो मिल जाता है तब तो ठीक है, अब नहीं मिलता है तो फिर करना पड़ेगा कोई ना कोई जुगाड़। अब समझ में नहीं आ रहा फ़ोन किससे चार्ज होगा। बाकी गपशप चल रही है आपस में। अगर हमारे डॉक्टर भाई को मैंने अभी एक रिकॉर्डिंग सुनाई थी, डॉक्टर भाई क्या रिएक्शन देंगे आप उसको लेंगे? झकास। कूलर में पानी तो डाल दिया है। और ओए तेरे नोट्स कहाँ है? तेरे नोट्स कहाँ है? किसके बैग में? अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो जा रहा है कॉलेज। हमारी तो खैर पीएल चल रही है, और ये अभी पीएल चल रही है मेरी, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं इसी मंथ लास्ट वीक में, तो हम लोग हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं। बाकी तो यहाँ गर्मी बहुत ही सॉलिड वाली हो रही है। अभी आपको दिखाऊँ कितनी धूप अभी से पड़ना स्टार्ट हो गई है, देख रहे हैं आप। बाकी 12 बजे तो ऐसा मौसम हो जाता है कि यहाँ से बाहर मैं हॉस्टल से मैस जाने में ही दिक्कत हो जाती, इतनी भयंकर धूप और बहुत ही तेज़ गर्म हवाएं लगती हैं। कल कूलर भी थोड़ा सही किया था, क्योंकि कूलर की जो घास थी वो ख़राब हो गई थी, इस वजह से कल नई घास उसमें लगाई, फिर अभी कूलर में पानी डाला है। और रात ऐसा हुआ कि उसमें रात वो कूलर में पानी तो डाल दिया था, लेकिन उसके साथ ही साथ कल ना रात कोल्ड हो गया, इतना ठंडा हो गया था रूम, फिर उसको 4 बजे उठ के बंद किया मैंने। अभी तो टैबलेट खाई है तो थोड़ा सा रिलीफ है। नीचे देख यहाँ पे ये पड़ा है, देख वो पड़ा है, अरे वो चेयर के नीचे मिल गया। मैं अभी आया था ना बाल्टी लेने के लिए, तब मैंने देखा था। तो ये आपका 2 टाइप से होता है, 3 टाइप का प्लेसेंटा सेपरेट स्टार्ट होगा, होना स्टार्ट होता है यहाँ पे, बहुत ही सीरियस वाली क्लास चल रही है। मैं अपनी सरल डेफिनेशन और आपको पेपर में दिखाया होगा, भाई मेरा पढ़ा रहा है सबको ग्रुप में स्टार्ट हो रही है। ये आफ्टर आपका 4 तरीके का होता है, और सबसे पहला हमारा ओबीजी का ही है, तो बस उसी की पढ़ाई चल रही है। के बोर हो गए तो सोचा बाहर देख के आते हैं कैसा मौसम है, तो इस टाइम ना अभी इतना अच्छा मौसम हो रखा है, बारिश जैसा मौसम है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल भी हो रखे हैं थोड़े से, बट बारिश नहीं हो रही है काफ़ी दिन से। लास्ट टाइम बारिश हुई थी तो काफ़ी तगड़ी बारिश हुई है, और अच्छी तरीके से हवा चल रही है। और अभी रूम से बताते हैं कि रूम में पानी नहीं है, रूम में पानी लेके जाते हैं, और हम लोग एक काम से गए थे लेकिन वो काम हुआ नहीं, अरे यार एक काम हुआ नहीं, बट हो गया 50% हो गया। सो गया था, दिन में ही पढ़ता हूँ, और फिर उसके बाद लंच के बाद 2 बजे से 4 बजे 5 बजे तक जितना भी मतलब जितना पढ़ सकता हूँ लंच के बाद उतना पढ़ लेता हूँ। फिर आज पता नहीं बॉडी क्यों बहुत ज़्यादा लो फील कर रही है, टाइट फील हो रहा है,
अभी तो बस खाने का टाइम होने वाला है, आधा घंटे बाद फिर खाना खाने जाएंगे, वॉक करके फिर उसके बाद डेली का रूटीन स्टार्ट, क्योंकि 3 दिन बाद एग्ज़ाम्स हैं। और अभी तो खैर चलते हैं नीचे टहल के आएंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। बैठे हैं इधर हमारा भाई लोग, हजरत भाई जाने वाले हैं यार, कुछ बोल दे यार, बोल भाई कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस 4 साल। हमारा 4 साल के एक्सपीरियंस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आफ्टर एग्ज़ाम, मेरे एग्ज़ाम 2 को ख़त्म हो रहे हैं, उसके बाद एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जितने भी हमारे क्लासमेट हैं सबका कैसा टाइम स्पेंड हुआ। वो वीडियो लॉन्ग बनेगी, आई होप कि वो 15 मिनट से ऊपर की वीडियो जाएगी, लेकिन वो वीडियो देखना ज़रूर। अब वो जल्दी मैं इंस्टा पे अपडेट करूँगा, अब तक आपने मुझे इंस्टा फॉलो नहीं किया मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर जाके फॉलो कर लेना, सारी अपडेट वहाँ पर मिल जाएगी। और 2 तारीख के बाद वो वीडियो कभी भी आ सकती है, क्योंकि 2 को मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, उसके बाद वीडियो कभी भी आ सकती है। और अभी बस ठंडी ठंडी हवा चल रही, तो उसके मजे ले रहे हैं, बस सोच रहे हैं यहाँ पे बारिश हो जाए, बादल तो आ रहे हैं लेकिन बारिश ना हो। गाइस जैसे कि आपको पता था कि मेरे 26 को एग्ज़ाम होने वाले थे, बट हमारा डेट पोस्टपोन हो चुका है, और वो डेट पहुँच गई है 5 तारीख को, मतलब कि 5 मई को, और 10 मई को एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। और एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बाद क्या लिंक टूट जाता है पढ़ाई से, बट मैं अभी पूरी तरीके से पढ़ाई पे फोकस कर रहा हूँ और इस ब्लॉगिंग को स्टॉप कर रहा हूँ जब तक मेरे एग्ज़ाम्स फिनिश नहीं हो जाते और पूरी तरीके से मैं फ्री नहीं हो जाता। और सबसे बड़ा रिस्क ये है क्योंकि फाइनल ईयर है, और फाइनल ईयर है, मैं नहीं चाहता कि किसी तरीके का रिस्क, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी फ्यूचर के लिए। तो अभी पूरा का पूरा फोकस मेरा स्टडी पे है, एग्ज़ाम के बाद फ्री होके रेगुलर ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो इसी के साथ ही साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे कि हमारे आने वाले ब्लॉग्स की हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। ओके तो इसी के साथ एडियोस अमिगोस, बाय बाय।